सुनील पंडित नाम है मेरा और द उदयपुर अपडेट्स आपको ऐसी नई नई जगह लेकर जाता है, नई नई चीज़ों से आपको रूबरू करवाता है। इसी कड़ी में हम आए हैं, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जगह हम आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अमूमन हम ऐसी जगह जाते हैं जो नामचीन जगह होती हैं, जो अपने आप में एक अनूठी होती है। आए हैं अभी हम, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस जो शॉप है उसका आप कहीं पे भी नाम नहीं देखेंगे। नारायण जी के जो पकोड़े हैं, मिर्ची बड़े हैं, वो अभी तैयार हैं। हम बहूजी अभी आप देखेंगे कि बुजुर्ग पिता तुल्य जो हैं वो लगातार मिर्ची बड़े बना रहे हैं। हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या इनकी ऐसी विशेषता है, क्या खासियत है कि लोग 6 से 8 बजे तक इनके जो मिर्ची बड़ों का लोग इंतज़ार करते हैं, और किस तरह से इन्होंने शुरुआत करीब 75 साल हो गए से यही क्रम जो है आप देख रहे हैं। टाइमिंग भी वही है, बस बदला है तो एक कि पहले ये मिर्ची बड़े 1 रुपए के 10 मिलते थे और अभी शायद इसकी रेट है 10 रुपए के 5। तो अभी हम नारायण जी बहूजी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनके जो मिर्ची बड़े हैं उनके खास होने की क्या वजह हैं, कि क्यों इनके यहाँ लाइन लगती हैं, लोग बेसब्री से इनका इंतज़ार करते हैं। बहूजी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सालों से ये चीज़ हमारे शहरवासियों को खिला रहे हैं बड़े इत्मीनान से। आपका नाम बताएं और आपके मिर्ची बड़े की क्या खासियत है वो। मेरा नाम नारायण लाल मिनारिया है, मूल निवासी भोवाणा का रहने वाला हूँ। कहाँ पे? भोवाणा गांव के, भोवाणा यही भोवाणा हाईवे नंबर 8 पे। और ये पकोड़े में मेरे दादाजी से सीखे मैंने, पिताजी अच्छा। मेरे पिताजी ने सिखाए और करीब करीब 55 साल मेरे को हो गए हैं, इसके पहले मेरे दादाजी बनाते थे। करीब 75 साल हो गए। हाँ, आपके दादाजी समेत दादाजी बनाते हैं, आपके पिताजी, पिताजी। हाँ अच्छा, आपके इनके दादाजी, मेरे पिताजी और ये इसका पोता, इसका लड़का। मतलब 4 पीढ़ियों से आप ये खिला रहे हैं? चार पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी अभी है। हाँ, और चौथी भौजी आपके पिताजी। हाँ, तो कहाँ से, कितने पैसों से आपने शुरुआत की थी? 1 रुपये के 10। दस अच्छा, हर 5 साल के अंदर एक एक पकौड़ा कम होता गया। अच्छा, मतलब अभी भी आपका नियम है ये? जो महंगाई होगी अभी ये 10 रुपये के 5 को 1 साल हो जाएगा 1 मार्च को। अच्छा, कितना? 1 साल, 1 साल हो जाएगा 10 के 5 को, ये मार्च बिना लगेगा। उसके बाद में हम ये चल रहा है, ये आलू मसाला बनाता हूँ। फिर 5 साल बाद एक कम कर दो? नहीं, वो तो महंगाई तो बढ़ने के ऊपर, महंगाई के आधार पे चल, महंगाई जो बाजार में महंगाई बढ़ेगी उसके आधार पे महंगा होगा, उसके आधार पे महंगा होता वरना नहीं। बस तो ये मिर्ची बड़े में आपकी क्या खासियत है? ये बिल्कुल आप ये मिर्ची को छाछ पानी के अंदर बॉइल करता हूँ। अच्छा, बॉइल करके फिर साफ धोता हूँ। छाछ पानी का क्या राज है? तीखापन कम हो जाता है, मिर्ची का तीखापन कम होता है। फिर धोके इसके अंदर आलू का मसाला बनाता हूँ, ऊपर नींबू डालता हूँ इसके अंदर। हाँ, फिर इसके अंदर भरता हूँ, मिर्ची में भर के। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जिस जगह आया हूँ वहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी का बड़ा मेल है। आप यहाँ अगर सारे लेने चाहे, भाऊजी आपने बताया कि 6 से 8 बजे तक टाइमिंग रहती है, और कितने बनाते रोज के? 1000 भाऊजी से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, न कम न ज्यादा। हाँ, टाइमिंग वही। और कोई एक हजार लेने आए तो वो नहीं बोलो, अभी अभी ये खड़े हैं, अभी ये 200 रुपए मांग रहे, तो 500 रुपए, 200 रुपए के भी आपने मना कर दिया। हाँ, इतना बन नहीं रहा। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि आप सबको देंगे, सबको सबको राजी करके, सबको 10 रुपए अगर आ गया तो भी देंगे। अच्छा, आपका नाम बताएं? मेरा घनश्याम मिनारिया नाम है। घनश्याम जी, आप भौजी की थर्ड पीढ़ी से हैं? हाँ, मैं थर्ड, फोर्थ। ये क्या राज है कि आप एक साथ ज्यादा नहीं देते? अब क्या, सबको मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, सब ऐसा एक ही जने को दे देंगे तो फिर सब जने का सभी इंतजार करते हैं, किसी को 10 का मिलना चाहिए, 10 का भी देते हैं हम, ऐसा नहीं कि उसको भी मना करेंगे। एक ये एक और जानना चाहता हूँ कि ये दुकान का नाम, अभी तक हम पहली दुकान देख रहे हैं शायद,
कि जिस पर नाम नहीं है, नाम नहीं शुरू से भी नहीं है और अभी भी नहीं रखा और रखने की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग वैसे ही आ रहे हैं और सब जानते हैं पहले से। फिर भी कई बार आस्था होती है कि हम दुकान का नाम रखते हैं, तो आपकी दुकान किस वजह से, जैसे माल भी आता होगा तो किसी न किसी वजह से नारायण पकौड़े, नारायण जी पकौड़े वाले बनता होगा तो वही पकौड़े वैसे तो पकौड़े वाले के नाम। तो ये है, अभी आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, अभी कितने लगभग अप्रोक्स कितने निकल गए 1000 में से, अभी हम टाइमिंग 7 बज गई, 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा और है, 500 निकल गए वो जी। अच्छा, आप बताएं भैया, आप क्या, आपका नाम बताएं। विशाल, मेरा नाम विशाल। क्या करते हैं बेसिकली आप? मैं तो स्टडी करता हूँ यहाँ पे, थोड़ी मदद कर रहा हूँ दादाजी को, मतलब 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे। बाकी कौन किस टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं? MSc कर रहा हूँ एस्थेटिक्स में। अच्छा, अभी हम कुछ मैडम आप बताएंगे क्या खासियत है इसमें, किस टाइप का टेस्ट है? टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मसाला भी शायद कोई डला हुआ है, अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है इसमें। पहली बार आए हैं यहाँ? पहली बार आए हैं, बहुत इनके बारे में, लेकिन पहली बार खा रहे हैं और बहुत वेट कर रहे हैं। हम LIC से हैं, LIC नाथद्वारा से आए हम। अच्छा, नाथद्वारा से? नहीं, जॉब वहाँ करते हैं, रहते यही हैं, अप डाउन करते इस वक्त, इधर से हम आज खा लेते हैं। तो इस टेस्ट का किस टाइप का टेस्ट है, क्योंकि आप गृहिणी हैं तो इस टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा। टेस्ट है इनका बिल्कुल अलग हटके है, जो मतलब आपको घर में आप इतना ट्राई करो तो ऐसा बन ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। जो मिर्ची नहीं खा सकते वो भी इसको खा सकते हैं। इसको बनाने से पहले छाछ और दही से इसको नींबू के पानी से इसके इसका प्रोसेस वो इनके भिगो के रखते हैं ये पहले, और उसके बाद में तो ये सिंगल पीस एक बार में आप खा सकते हो। कितना खा सकते हैं आप? डिपेंड, आप खा के देखिए। हमने तो टेस्ट भी नहीं किया, हम बाद में करेंगे, पहले हम अभी हमने 5-5 तो खा लिए, हम 10 और खा जाएंगे। बिल्कुल 10 और खा जाएंगे अभी हम। खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं आप? तीखा खाने के शौकीन? नागवारा में भी कभी कभी? वहाँ के किस टाइप के हैं? वहाँ तो एक्चुअली हम लोग पकौड़े वहाँ के ज्यादा, जो रतालू के पकौड़े, दाल के पकौड़े प्रसिद्ध है। मीठा आप लोग पसंद करते हैं? तुम भी आओ, मीठा पसंद है, मीठा मैं नहीं करती। कैसा लग रहा है आपको? मैं आपको एक छोटा सा, अगर मतलब एक संक्षिप्त इस पूरे घटना का, जैसे आप यहाँ आए, आपने पकोड़े खाए, और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे यहाँ कोई नाम नहीं, फेमस हमने सुना था उतना टेस्ट हमने पाया यहाँ पर। हाँ, यहाँ आना सफल हो गया आपका। खड़े होकर खाने में ज्यादा मजा आता है, ठंडे हो जाते हैं और वो इसके अखबार का टेस्ट भी आ जाता है। और नुकसान जी जी, मैं जो जिस काम के लिए आया हूँ, मैं एक बार वो करके मैं कुछ बात करना चाह रहा था इसी टॉपिक में। मेरा टॉपिक यही है, हम द उदयपुर अपडेट चैनल से नई जगह जाते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं टेस्ट क्या कैसा। एक और नई बात है कि मिर्ची तो आपने वैसे ही आप खाते हैं, इन मिर्ची में डिफरेंस क्या, खट्टापन है या नहीं है? एक्चुअली जो लोग मिर्ची नहीं खा सकते हैं ना, वो भी इसको इजीली खा सकते हैं। पता नहीं इस मिर्ची में तीखा नहीं है, एक अलग तरह का टेस्ट है। गुजरात में एक मिर्ची अलग हटके है, गुजरात में एक मिर्ची का मुरब्बा बनाते हैं शायद इसी टेस्ट का, शायद आपने खाया हो कभी? नहीं, वो तो नहीं खाया, पर हाँ ये बिल्कुल अलग है। हाँ, गुजरात में ऐसी मिर्ची का एक मुरब्बा या अचार, हाँ पता नहीं ऐसा, वो भी इतना मिर्ची पीस के उसमें मूंगफली के दाने, राई, तिल, ये सब मिला के बिल्कुल, वो पकौड़े थोड़ी होते हैं, वो पकौड़े नहीं होते, वो अचार है मिर्च का। तो ये देखें, अभी हम और बताएं ज़्यादा कुछ। दीदी बोल रहे हैं कि बड़ा खा के मज़ा आ गया है, और आप भी आएँ तो सबसे पहले एड्रेस हम, मैं आपको बताना चाहूँगा, भुआना का ये चुंगीना का एरिया है, और आप इस तरफ आएंगे तो ये ICIC बैंक का आपको यहाँ है, और इसके सामने ही नारायण जी की शॉप है, और ये आप यहाँ आएंगे थोड़ा सा SBI बैंक है यहाँ, इससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहीं। टाइमिंग है 6 से 8 का इनका टाइमिंग है, इससे ज़्यादा इनकी टाइमिंग नहीं है, और अगर आप आना चाहें तो 6 से 8 के बीच में ही आए हैं, उससे पहले ही यहाँ काफ़ी लाइनें लगती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही
आप यहाँ आके यहाँ के टेस्ट आप हमें बता के मेंशन कर सकते हैं हैशटैग द उदयपुर अपडेट्स के नाम से, फिर हम किसी और जगह मिलेंगे ताकि हम ऐसे ही कुछ नई नई रोचक रोचक चीज़ें आपको बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।